और सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में 14 पंचायत समिति है। इसमें से एक ऐसा पंचायत समिति है जो अपना पंचायत को विकास के राह पर लेकर जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जामुदाग पंचायत समिति रूप कुमार साहू के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में धरल्ले से विकास के कार्य करते हुए आज जामुदाग गांव में शमशान सेड और तालाब में स्नान करने के लिए सीढ़ी कार्य निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। देखिए योजना तो जहाँ जैसा जिसका जरूरत वैसा काम किया जा रहा है। मेरे यहाँ जामुदाग में अभी झरिया बांध में दो सीढ़ी स्नान घाट जो एक ही लागत से दो बनेगा, ये प्रथम पूरा प्रखंड में ऐसा योजना चलेगा जो प्रथम आ रहा है प्रखंड में, ये मेरे वहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। और रहा इड़कू में यहाँ शमशान भवन दिए हैं। कितना का है शमशान भवन? 2.5 लाख का लागत से बन रहा है। जामुदाग में सीढ़ी का भी निर्माण का शिलान्यास किया कितना का? वहाँ भी 2.5 लाख का है और 2.5 लाख में दो हम करेंगे, एक महिला एक पुरुष के लिए। जो लंबा 20x40 का बनेगा उसी को हम कट करके 50-50 करके दो जगह कर रहे हैं, ताकि महिला को नहाने में दिक्कत ना हो, पुरुष का भी दिक्कत ना हो। बहुत सारा भीड़ होता है, उसको देखते हुए मैंने वो योजना प्रारंभ किया। पंचायत के ग्रामीण से सवाल है कि पंचायत समिति होगी इतने धरल्ले से आप काम कर रहे हैं, बाकी पंचायत समिति के लिए आपको क्या संदेश रहेगा? देखिए सबका अपना अपना विचार है, हम सभी को यही बोलेंगे आप भी काम कीजिए, जनता का प्यार और सम्मान पाइए, सबके लिए एक समान हो। देखिए योजना तो जहाँ जैसा जिसका जरूरत वैसा काम किया जा रहा है। मेरे यहाँ जामुदाग में अभी झरिया बांध में दो सीढ़ी स्नान घाट जो एक ही लागत से दो बनेगा, ये प्रथम पूरा प्रखंड में ऐसा योजना चलेगा जो प्रथम आ रहा है प्रखंड में, ये मेरे वहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। और रहा इड़कू में यहाँ शमशान भवन दिए हैं।